हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और 8 बज चुके हैं सुबह के, तो संडे है आज। और अभी देखिए, मेहंदी लगा ली है मैंने, तो पूरे ही चेहरे पे लग गया है। ये यहाँ से भी लग गया है, यहाँ से भी लग गया है। तो सुबह के अभी 8 बज गए हैं, और सबसे पहले मैं उठ के मेहंदी लगाती हूँ जिस दिन मुझे मेहंदी लगाना हो ना, क्योंकि सुबह सुबह मेहंदी लगाओ तो फिर 2 घंटे पूरे मिल जाते हैं, मतलब नहाने से पहले। तो इस वजह से मैं सुबह ही मेहंदी लगाती हूँ। आज 8 बज चुके हैं, मेहंदी लग गई है, और अभी बच्चे सो रहे हैं क्योंकि आज संडे है, तो दोनों बच्चे भी सोए हुए हैं और हमने अभी तक चाय नहीं पी है। तो चलिए पहले चाय बनाते हैं। और ये कल सब्जी टमाटर वगैरह ख़त्म हो रखे थे, तो टमाटर धुले थे मैंने, और वो यही हैं। ये अदरक और ये हैं अंगूर, क्योंकि फ्रिज में रखने से बहुत ज़्यादा खट्टे हो जाते हैं, तो मैंने यहीं रखी थी धो के। और यहाँ बन रही है चाय। तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, 9:30 बज चुके हैं, और यहाँ देखिए 9:30 बज चुके हैं, और मैडम देखिए अभी तक सो रखे। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे आप। तो इसको इतना होश नहीं कि सिद्धू देखो कब का उठ के, देखिए सिद्धू ने अपना बेड तक ठीक कर दिया। ये देखिए, देख रहे आप, यहाँ बेड में लग गया सिद्धू का, और यहाँ तो नींद ही पूरी नहीं होती। भगवान ने क्यों इसको इतनी नींद दे रखी, उठ क्यों नहीं रही, उठ तो रही, कब उठेगी। तो मेहंदी मेरी सूख चुकी है, काफ़ी टाइम हो चुका है, 2 घंटे हो चुके हैं लगे हुए, और अब इसके बात करूँगी थोड़ा सा मैं स्किन केयर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच दही ले रखा है, थोड़ा सा बेसन ले रखा है 1 चम्मच जितना, और 1 बड़ा चम्मच जितना, और थोड़ा सी हल्दी ले रखी है 1 चुटकी, और यही मैं आज अपने चेहरे पे अप्लाई करने वाली हूँ। तो इसको मैं एक अच्छा सा पेस्ट बैटर बना के तैयार कर लूँगी, और इसको अपने चेहरे पर लगा लूँगी। तो इससे ये है कि मतलब थोड़ा सा ब्राइट हो जाती है स्किन, और जैसे दही है तो थोड़ा सा ग्लोइंग त्वचा जिसको बोलते हैं ना, ग्लो करने लगती है स्किन। और हल्दी इसमें इसलिए डाली है मैंने क्योंकि हल्दी रंग साफ़ करती है। तो बस यही कुछ घर के कुछ चीज़ों से ही हम थोड़ा सा मतलब अपने लिए कुछ कर सकते हैं, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। और जब भी मैं कुछ करती हूँ तो वो ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, वो दही बेसन ही क्यों ना हो। तो मेहंदी लगा रखी थी, तो साथ साथ मैंने कहा जब तक बाल सूख रहे थे, तो इससे पहले मतलब मैं थोड़ा सा जो पेस्ट बना रही हूँ अपने लिए, तो मैंने कहा चेहरे पे लगा लूँगी, तो साथ साथ दोनों काम हो जाएंगे, बाल भी सूख जाएंगे और मेरा चेहरा भी तब तक सूख जाएगा। तो बस अच्छे से लगा लीजिए, जब तक सूखे नहीं तब तक रखिए, और उसके बाद अपनी स्किन को धोते समय थोड़ा हल्के हाथों से स्क्रब कीजिए, और बस चेहरे को धो लीजिए। इसको हम थोड़ा सा सूखने देंगे चेहरे पे, और सूखने के बाद नहाते समय धोते समय मतलब चेहरे को थोड़ा सा स्क्रब कर देंगे और फिर धो लेंगे। तो अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में आज बन रहा है पोहा। तो पोहों को मैंने धो लिया था, पोहे को अच्छे से पानी में एक बार निकाल के, पानी में निकाल के फिर उसका सारा पानी में से निकाल के देखिए कितना मतलब भुरभुरा सा मेरा पोहा हो रखा है। और उसके लिए मैंने अब डाल दिया थोड़ा सा कढ़ाई में तेल, और इनमें डाल दूंगी मैं मूँगफलियाँ, तो थोड़ी सी मूँगफलियाँ थी मेरे पास, तो आज यही नाश्ता मेरा बन रहा है नाश्ते में हल्का फुल्का सा। तो ये मूँगफलियों को मैं भून लूँगी। तो पोहा तो हर कोई बनाता है, हर किसी के घर में आसानी से बन भी जाता है, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा क्या शेयर करनी। तो मैंने मूँगफली को भून के निकाल दिया है, और अब डाल दूंगी मैं कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा तेल। तेल में थोड़ा सा मैंने सरसों भी डालना था, लेकिन यहाँ पे मेरी भूल हो गई, सरसों डालना मैं भूल गई। और उसके बाद मैंने सीधे डायरेक्ट डाल दी हरी मिर्च। तो हरी मिर्च डालने के बाद मैंने प्याज काट रखे थे, तो प्याज डाल दिया है। प्याज को थोड़ा सा चला लूँगी, ब्राउन होने तक भून लूँगी, और बस टमाटर नहीं डालना है।
तो नहा के भी आ चुकी हूँ और चेहरा भी धो लिया और ये हो रखा है मेरा नाश्ता। ये मेरे पोहे, ये मेरी चाय, ठीक है ना। 12 बज चुके, भूख भी लग गई है मुझे। अभी शाम के 5 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं आज मार्केट, क्योंकि 14 तारीख को जाना है हमें, मुझे गांव शादी में, तो और मुझे मार्केट के बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि कुछ काम हो चुके हैं, बस मार्केट के कुछ काम करने बाकी है। क्योंकि तो मैं देखिए कब से तैयार बैठी हुई हूँ और यहाँ देखिए इनकी अभी तक तैयारी नहीं हुई है। तो मैं तो सबसे पहले कहीं जाना हो तो मैं तो फटाफट से तैयार हो जाती हूँ, और यही तैयार नहीं हो पाते हैं। तो लोगों के घर में तो लेडीज टाइम लगाती है, लेकिन यहाँ तो जेंट्स टाइम लगाते हैं। देखिए पता नहीं क्या कर रहे हैं तब से। तो देखिए पहुंच चुकी हूँ मैं यहाँ पे अपने मायके में, और यहाँ से ये देखिए मेरी भतीजी यहाँ पे खड़ी हो रखी है, क्योंकि इन लोगों को भी आना है मार्केट, साथ साथ जा रहे हैं हम। तो घर से ही बात हो गई थी और ये देखिए तैयार तैयार होके बिल्कुल गेट पे खड़े हो रखे हैं। तो फिर हम यहाँ पे रुके नहीं उसके बाद, क्योंकि हमें टाइम काफ़ी हो गया था, बस यहाँ पे गए और हम इसके बाद निकल चुके हैं घर से साथ साथ। तो ये आगे से निकल रहे हैं, हम इनके पीछे, तो मैंने कहा थोड़ा आप लोगों को दिखाऊं। लव्या बाई कर रही है और यहाँ पे हम जहाँ अभी जा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ हाट वगैरह लगती है, तो थोड़ा अभी हम पहले यहाँ जाएंगे, यहाँ से सब्जियाँ वगैरह लेंगे, उसके बाद ही हमें मार्केट का काम करना है। फ्रेंड्स मार्केट से अभी हम लोग घर आ चुके हैं और आज मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है बाहर। बाहर मतलब जब हम आ रहे थे तो इतनी हवा लग रही थी स्कूटी में, और वहाँ से आए और उसके बाद गई मैं डायरेक्ट पार्लर में। और देखिए शादी की तैयारी चल रही है ज़ोर शोर से। मैंने कहा बताया था आप लोगों को, कहा था कि हमें शादी में जाना है, और अभी मैं पार्लर में गई, थ्रेडिंग बना के आई और कटिंग भी करवा दी, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। इस साल बाल मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरे भी हैं और रफ हो रखे थे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए गई थी। मैंने कहा कल शैम्पू नहीं कर रखा था ना, तो इस वजह से अभी कटिंग भी कर ली है। तो देखिए कैसे लग रहा है मेरा न्यू लुक। तो पीछे की जो पूछ सी हो रखी थी ना, क्योंकि बाल बढ़ भी नहीं रहे थे वो, और इस वजह से कटवाई दिए। मैंने कहा चलो निकाल ही दो इन बालों को। तो चलो आज की वीडियो का भी मैं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब गाँव जाएंगे 14 तारीख को, फिर मैं आपको गाँव की शादी का वीडियो वगैरह शेयर करूंगी।